थाली लगा दूँ? से आज अष्टमी है और किस प्रकार से आज इस प्रांगण में कन्या पूजा किया गया और किस तरह से इस 8 दिन की पूजा अर्चना में लोगों ने किस तरह से यहाँ पे अपनी उपस्थिति दिखाई है। चैत्र नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यहाँ पर नवकुंडी हवनात्मक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का दिव्य आयोजन आज अष्टम दिवस की बेला पर चल रहा है। महागौरीत चाष्टमम, माँ भगवती ने 9 दिन में 9 रूप धारण किए हैं। 8वां दिन में एक छोटी सी कन्या का रूप धारण किया है, गौरी का रूप धारण किया है। इसीलिए अष्टमी को जो है कन्या पूजन का विधान बतलाया गया है। कन्या पूजन करने से कहते हैं जो माँ भगवती के अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन करता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की बाधाएँ आती ही नहीं, माँ की अहेतु की कृपा बरसती है। यहाँ पर सार्वजनिक नवकुंडी हवनात्मक महायज्ञ का विशाल आयोजन चल रहा है। हमारा उद्देश्य है अपनी संस्कृति समाज, ये हमारे ऋषियों की धरोहर यज्ञ प्रक्रिया को पुनः नवजीवन प्रदान करना, इसको जीवित रखना। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियाँ को अगर हम यह सब नहीं देंगे तो वो ना हमारी संस्कृति को जानेंगी, ना संस्कार को जानेंगी, ना सभ्यता को जानेंगी। पशुवत जीवन हो जाएगा। उसी परंपरा उसी धरोहर को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए हम सभी वहाँ पर मिल कर के यह सार्वजनिक तौर पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ना किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए, यह आयोजन सार्वजनिक सबके कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए रखा जाता है, जिसका एक ही उद्देश्य है हमारा देश हमारा भारत जो है सर्वशक्तिमान बने, सब में परस्पर प्रेम हो, सद्भाव हो, सद्विचार हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें। इसी उद्देश्य से यहाँ पर आज आपने देखा है कि इतनी सारी कन्याओं का एक साथ कन्या पूजन का विधि विधान से आयोजन संपन्न हुआ। कहा जाता है कि 9 कन्याओं को खिलाते हैं, भोजन कराया जाता है, लेकिन जिस तरह से अगर 9 से ज़्यादा कन्या हो जाती हैं तो किस तरह से लोगों को पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? कन्या होती है, नवकन्या देवी के 9 दिन माने गए हैं। 9 से कम नहीं होनी चाहिए, पर 9 से अधिक आप कर सकते हो, उससे और माँ प्रसन्न होती है ना। ऐसा कहीं पर नहीं शास्त्रों में वर्णन है कि सिर्फ 9 कन्याओं का पूजन है। ये 9 दिन के हिसाब से 9 देवियों के हिसाब से 9 कन्याओं का पूजन हुआ है। यद्यपि 9 देवियों में 8 देवी ने तो कन्या का रूप धारण नहीं किया है, सिर्फ माँ ने एक ही दिन महागौरी का रूप धारण किया कन्या का। तो वैसे तो लोग चाहें तो एक ही कन्या का पूजन होना चाहिए, परंतु 9 कन्याओं का हो। अगर आपको उपलब्ध होती है, ये भी पुण्य प्रताप से होता है। आपके जब बहुत पुण्य होंगे तब इतनी सारी कन्याएं आपको मिलेंगी, और नहीं तो 9 कन्याएं भी मिलना बहुत दुर्लभ हो जाता है। यहाँ पर तो हमने 108 से ऊपर कन्याओं का पूजन किया, आपने देखा, और इतनी सारी कन्याओं का पूजन करके सब भक्तों के निमित्त हर किसी ने लाभ लिया है। कोई ऐसा आपको लगेगा नहीं कि ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य है। सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और तब जा कर के इतना सुंदर यह कार्य संपन्न हुआ। और माता रानी से प्रार्थना भी है कि सबको माँ भगवती सम्मति दे, सुमति दे, सद्विचार दे, सद्भाव दे, ताकि सब समाज हमारा एक हो, क्योंकि ये हमारा भारत देश सोने की चिड़िया है, तभी है जब हम सब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव सद्विचार रखें। किस प्रकार आप राजनीति से दूर जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से समय को निकालते हुए 9 दिन आप इस तरह से यहाँ भक्ति भाव में इस पंडाल में आपने वक्त दिया है? देखिए, मैं पिछले 14 सालों से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं अंधेरी पश्चिम में, और ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है ताकि समाज के सभी लोगों को एकत्रित एक जगह पे इकट्ठा किया जा सके, शांति बनी रहे, देश में समृद्धि हो। और जब हम समाज के लिए काम करते हैं तो समाज के लिए हम अपना दायित्व हमारा होता है कि समय निकालना, तो ये समाज हित के लिए कार्य होता है, इसलिए समय निकालना अति आवश्यक है। आज आपने नौ कन्या की भी पूजा की है, जिस तरह से आज उनके नौ कन्या पूजा भी है, तो क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं जनता के लिए, लोगों के लिए, किस तरह अपने भारत देश में इस तरह से और आगे बढ़ाने के लिए? मैं देश के समस्त लोगों से मतलब ये आज माता जी के दरबार में ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करें, एक दूसरे से द्वेष भावना जो रखते हैं वो ख़त्म हो और हम लोग मिलजुल करके भारत को है ना स्वर्णिम युग की तरफ लेके जाए और विश्व गुरु बनाए। माँ देवी के चरणों में जब आप होते हैं, जितना वक्त आप बिता पाते हैं, तो कितना आप अनुभव, क्या अनुभव होता है, किस तरह से उसे व्यक्त करना चाहेंगे अपने सपनों में? जब हम माता के दरबार में होते हैं तो हमें उस बचपना की याद आती है, लगता है हम अपनी माँ के गोद में हैं और हमें जो एक अनुभूति होती है वो उसको बखान नहीं किया जा सकता है। जो सुख प्राप्त होता है माँ के चरणों में, उस सुख को हम बखान कर ही नहीं सकते, इतनी अच्छी आनंद अनुभूति प्राप्त होती है।